दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 20 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए कल मैंने डाला था एंड बहुत प्यार दिया पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने। कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास एंड कल इतने दिन बाद, मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते बाद मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि मेरे पास बहुत काम थे। कॉलेज से पेपर्स मिले थे, वो भी चेक करने थे, तो भी कल निकाला मैंने बहुत मेहनत करके एक दिन में सर। हाँ, तो हमारा वीडियो क्या है दोस्तों, इस महीने थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि ये 25-26 तारीख तक आ जाता है, लेकिन सेल का टाइम था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। 15-16 ऐसे स्मार्टफोन जो अक्टूबर में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में बताऊंगा कौन मिल सकते हैं। लोग 10-8 बता रहे हैं, मैं पूरे 15 स्मार्टफोन बताने वाला हूं कि कौन से आ सकते हैं दोस्तों। जुलाई का और सितंबर का महीना धमाकेदार था, अगस्त ठीक ठाक था लॉन्चिंग के हिसाब से, एंड अक्टूबर कैसा होने वाला है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखेंगे कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जो इस महीने लॉन्च हो सकते हैं। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे वीडियो दोस्तों सबसे पहले गेमिंग स्मार्टफोन से। आपको मालूम है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG 2 आ चुका है एंड प्राइस जो है दोस्तों धमाकेदार है। स्पेसिफिकेशन है तो नूबिया ने नूबिया रेड मैजिक 3 लॉन्च किया था 855 पे, अब लेके आ रहे हैं 855 प्लस पे 3S एंड ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से मिड अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है ऐसा लोग कह रहे हैं। स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे आने वाला है, ट्रिपल क्वाड कैमरा जो भी होंगे एंड स्मार्टफोन गेमिंग का होने वाला है और सच में अच्छा होने वाला है। ROG 2 को कम्पीट करने आएगा क्योंकि ROG 2 ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे आया है अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि 32,000 से 33,000, 34,000 के आसपास लॉन्च होने वाला है। देखेंगे नूबिया किस प्राइस पे लेकर आता है, लेकिन स्मार्टफोन दोस्तों कमाल का होने वाला है। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वीवो की तरफ से आने वाला है वीवो V17, जो कि V17 प्रो का छोटा भाई होगा। मुझे लगा था V17 प्रो किसी अच्छे प्रोसेसर पे आएगा 675-30,000 में देना, क्योंकि V15 प्रो भी उसी पे आया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा कुछ करेंगे लेकिन अच्छा नहीं किया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो V15 जो आया था वो हेलियो P70 पे आया था, तो क्या V17 जो होगा दोस्तों हेलियो P70 पे ही आएगा? देखेंगे जो भी चीज़ होगी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि उस पर आए। ये भी आपको मिड अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं क्योंकि V17 प्रो आ गया इंडिया में, तो V17 भी जल्दी ही आएगा, वो भी इसी महीने ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो सकता है दोस्तों। OnePlus 7T आ चुका है इंडिया में और 7T प्रो नहीं आया दोस्तों, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10th को जो उनका इवेंट है लंदन में, लोग कह रहे हैं कि वहां पे 7T के साथ 7T प्रो भी लॉन्च होगा और उसी टाइम इंडिया में भी लॉन्च होगा। देखेंगे अब 855 प्लस पे आएगा, देन बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन, क्वाड कैमरा, ट्रिपल कैमरा जो भी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या और क्या आएगा, क्योंकि 7T जो है दोस्तों उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए उन लोगों ने, तो सोच रहा हूँ पॉपअप के अलावा और क्या आने वाला है। एक्सपेक्ट करो, देखो क्या आता है एंड बहुत सारी चीज़ें और भी लॉन्च होंगी 10th को लंदन में। फिक्स नहीं है कि 70 प्रो है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 70 प्रो भी आ सकता है दोस्तों। अगला स्मार्टफोन है गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 4 और गूगल पिक्सल 4 XL, ये 15th अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, ऐसे डेट्स आए हैं एंड पहली बार गूगल सिंगल कैमरा से मूव कर रहा है ड्यूअल और ट्रिपल कैमराज पे, तो दोनों स्मार्टफोन में ड्यूअल और ट्रिपल कैमराज आएंगे। देखेंगे जो आएगा चीज़ें बता देंगे, लेकिन 15th अक्टूबर को ये लॉन्च होने वाला है, प्राइसिंग उसी दिन पता चलेगी। कैमरास के लिए जाने जाते हैं, स्पेसिफिकेशन उसके 855 पे आने वाला है, देखेंगे जिस प्राइस पे आता है, सबसे बेस्ट कैमरास में गिना जाता है उनको, जो भी चीज़ है देखेंगे आएगा आपको 15th अक्टूबर को, उस दिन मैं प्राइस आपको बता दूंगा दोस्तों। ओप्पो रेनो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन ओप्पो रेनो एस, ये आने वाला है 10th अक्टूबर को चाइना में दोस्तों, उसके बाद इंडिया में आएगा 855 प्लस के ऊपर आने वाला है, फिर क्वाड कैमरा के साथ आने वाला है, 65W के चार्जर के साथ आने वाला है। कैमरा स्पेसिफिक होते हैं तो बहुत सारे आपको शार्क फिन कैमरा जो भी कैमरा आएगा उसमें पता चलेगा कि पॉपअप होगा जो भी होगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये आने वाला है 10th अक्टूबर को चाइना में एंड उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा जल्दी ही, तो इसी अक्टूबर के महीने में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में भी आ जाए। देखेंगे किस प्राइस पे आता है और कौन सारे स्पेसिफिकेशन लेके आता है दोस्तों। उसके बाद अगला स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से Motorola One Zoom, ये स्मार्टफोन IFA में आया था और अब आने वाला है इंडिया में भी, ऐसा माना जा रहा है अक्टूबर में लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर है, क्वाड कैमराज हैं, 15W के चार्जर के साथ आने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। देखेंगे स्मार्टफोन किस चीज़ के साथ आता है, अच्छा स्मार्टफोन है। प्राइसिंग की बात होती है मोटोरोला की, यही इशू होता है, लेकिन मोटोरोला वन सीरीज़ के जो स्मार्टफोन होते हैं वो अच्छे प्राइस पे आते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये भी अच्छे प्राइस पे आ जाए। देखेंगे जिस प्राइस पे आएंगे और जो स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। अगला स्मार्टफोन जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं इंडिया में, चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कौन सा स्मार्टफोन है? Redmi Note 8 सीरीज दोस्तों, Note 8 और Note 8 Pro
आपको मालूम है 665 और हीलियो G90T पे दोनों स्मार्टफोन्स आए हुए हैं, अच्छे हैं। वहाँ की जो प्राइसिंग है उस प्राइस पे अगर इंडिया में आ गया तो कमाल हो जाएगा। जब लॉन्च हुआ था चाइना में तो उन लोगों ने कहा था, मनु कुमार जैन ने कहा था कि इसके लिए 8 हफ्ते लगेंगे, और 8 हफ्ते उस टाइम से अगर कैलकुलेट करते हो तो करीब करीब 23 या 24 अक्टूबर तक जाता है, एंड उसी टाइम के आसपास हो सकता है ये इंडिया में लॉन्च हो। देखेंगे लेकर आते हैं किस प्राइस पे। स्पेसिफिकेशन तो सबको पता है, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं उनके ऊपर, देखना है तो जाके देख लीजिए, लेकिन प्राइस उस दिन पता चलेगा कि इंडिया में किस प्राइस पे आने वाला। मैं एक्सपेक्टेड है कि मुझे लगता है कि 14,000 पे ही आएगा जो प्रो है, एंड 10,000 पे आएगा जो 8 है, नोट 8 है। देखेंगे उस दिन पता चलेगा किस प्राइस पे आता है। दोस्तों Redmi 7A लॉन्च किया था दोस्तों, 2 महीने बाद Redmi 8A भी लॉन्च कर दिया, और कुछ हिंट दिया था अगर आपने देखा हो तो, Redmi 8 आने वाला है। मनु कुमार जैन ने लिया था स्मार्टफोन, दिखा रहे थे कि पीछे साइड से थोड़ा ग्लॉसी था, अच्छा लग रहा था देखने में, एंड बता रहे थे ड्यूल कैमरा का सेटअप था, फिंगरप्रिंट स्कैनर था, सारी चीज़ें थी। और ये स्मार्टफोन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में कभी भी, या एंड ऑफ अक्टूबर तक तो आ ही सकता है दोस्तों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया में पहले आएगा चाइना से। नॉर्मली Redmi 7 जो था वो पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन Redmi 8 जो है वो पहले इंडिया में लॉन्च होगा। देखेंगे स्नैपड्रैगन 660 के प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो देखा जाएगा जिस चीज़ के साथ आना, ऐसा कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन 660 जो है कहा जा रहा है, तो सारी चीज़ें होंगी। देखेंगे जिस प्राइस पे आएगा बता दूंगा दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, जिसने सैमसंग का पोपट सबसे ज़्यादा किया था दोस्तों, 6 कैमरे वाला स्मार्टफोन, फोल्डेबल स्मार्टफोन, स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे आएगा, या फिर उनका एक्सिनोस का प्रोसेसर उसके ऊपर आएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन बाद, यानी 1 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगा। मैं 30th को बना रहा हूँ, ये 1 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा, आने वाला है इंडिया में भी। प्राइस कुछ कह रहे हैं कि 1.5 लाख के आसपास होगा, कौन खरीदेगा, लेकिन ठीक है सैमसंग लॉन्च कर रहा है, जिनको पॉश लोग होते हैं खरीद लेते हैं। देखेंगे क्या प्राइस पे आता है, क्या इसको रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों। Huawei Mate 30 लॉन्च कर दिया है उन्होंने, लेकिन गूगल के एप्लीकेशंस नहीं आते इसमें, यही प्रॉब्लम है उसका। प्राइसिंग अच्छी है, स्पेसिफिकेशन अनबीटेबल है अभी के लिए, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम यही है कि गूगल के एप्लीकेशन इसमें नहीं आते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना में लॉन्च हो चुका था एंड वहाँ पे सक्सेसफुल भी हुआ है, बहुत सेल इसके, बहुत जो प्री बुकिंग थी उसमें बहुत अच्छा गया दोस्तों, बट प्रॉब्लम यह है कि ये गूगल के एप्लीकेशन के साथ नहीं आता। साउथ एशियन कंट्री में सबसे पहले लॉन्च होगा उन्होंने कहा था, उसके बाद वो लोग वेस्ट में जाएंगे, तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया भी है उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी ऐसा एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में आएगा। देखते हैं किस प्राइस पे और कब आता है, एंड कितना इसको रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गूगल के एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। हॉनर की तरफ से हॉनर प्ले 3, हॉनर प्ले आया था 970 पे, तो ऐसा सोचा था कि फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ प्ले 3 आना चाहिए, बट 710F पे आया, वही वाला जिसमें Huawei Y9 Prime वो पॉपअप सेल्फी वाला स्मार्टफोन है, सेम प्रोसेसर है, 1,40,000 के आसपास स्कोर है, चाइना में लॉन्च हो चुका है, अच्छा स्मार्टफोन है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंडिया में आ सकता है ऐसा कह रहे हैं कि ये 15 से 20 अक्टूबर समझ लो, उसके बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाइप तो नहीं होगा, लेकिन प्राइसिंग पे अगर अच्छे लेकर आते हैं तो अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, चीज़ें भी अच्छी हैं, देखते हैं जब आएगा तो इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। अगला स्मार्टफोन है हॉनर का ही 9X सीरीज, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, जुलाई में भी बोल दिया, अगस्त में भी बोल दिया, सितंबर में भी बोल दिया, कब आएगा यही प्रॉब्लम है, हर उसमें बना देता हूँ बट आता नहीं है, अभी कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके जो इंडिया CEO हैं उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और 9X सीरीज़ को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कब आएगा, किस प्राइस पे आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है, लोग कह रहे हैं कि ये 20 अक्टूबर के आसपास, कुछ सोर्सेज हैं, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन स्टिल कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो जल्दी लॉन्च करेंगे, देखते हैं। दोनों का वेट करें लोग, Kirin 810 प्रोसेसर बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिस प्राइस पे वहाँ पे आया हुआ है, और स्मार्टफोन सच में अच्छे हैं, देखते हैं किस प्राइस पे लेकर आते हैं और कब लेकर आते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये अगर आप देखो तो 20 अक्टूबर तक इंडिया में आ सकता है दोस्तों। ओप्पो K5 10 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है, और जल्दी ही कह रहे हैं इंडिया में भी लॉन्च होगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 730G वाला प्रोसेसर, और 30 वैट का वोक चार्ज, सारी चीज़ें आने वाली हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आएगा, दिखने में भी अच्छा होगा, स्मार्टफोन अच्छा है, एंड ये 10 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। प्राइसिंग क्या होगी देखने वाली बात होगी, किस प्राइस पे लेके आते हैं, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन है, अगर इंडिया में जल्दी आता है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में ये भी एंड से पहले आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। स्मार्टफोन अच्छा है, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं। एक न्यूज़ आ रही है कि इन्फिनिक्स का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, क्वाड कैमरा वाला, 10,000 के आसपास, 10,000 उससे नीचे की प्राइस होगी, अक्टूबर में लॉन्च होगा, कब होगा नहीं पता, लेकिन इन्फिनिक्स सच में बहुत अच्छे काम कर रहा है, एंड एक और स्मार्टफोन क्वाड कैमरा वाला लेके आ रहा है जो कि 10,000 के आसपास होगा,
और अक्टूबर में इन्फिनिक्स लॉन्च करने वाला है। क्या होगा बाकी सारे स्पेसिफिकेशन अभी तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन क्वाड कैमरा का स्पेसिफिकेशन होगा ये भी पता चला है और ये 10,000 के आसपास होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के नीचे हो, अच्छी बात है। देखते हैं क्या लेकर आते हैं और कब लेकर आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A70s ये स्मार्टफोन आने वाला है, A50s जैसा ही दिखेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि क्वाड कैमराज हों और प्राइमरी कैमरा जो है दोस्तों वो 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर हो। दोस्तों सैमसंग खुद सेंसर बना रहा है, शाओमी और रियलमी पहले लॉन्च कर दे रहे हैं, सैमसंग बाद में लेके आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 675 के ऊपर ही आएगा, प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, 28-30,000 के आसपास हो, देखने वाली बात होगी जिस प्राइस पे आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्राइसिंग अच्छी खासी होने वाली है और क्वाड कैमराज होंगे वो अच्छी चीज़ है। सैमसंग लेके आने वाला है, दिखने में ये A50s जैसा ही दिखेगा, जैसा A50s दिखता है वैसा ही दिखेगा, कुछ खास अलग नहीं होगा, लेकिन हाँ स्पेशलिटी इसकी होगी कि 675 प्रोसेसर पे होगा, क्वाड कैमराज होंगे और 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा। जैसे ही आएगा इसके बारे में आपको बता दूंगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी बता दूं, और उनके जो CEO थे इंडिया के, नाम नहीं याद आ रहा क्या है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था बहुत पहले कि मैं अलग स्मार्टफोन के बारे में बात करता हूँ, रेडमी के बारे में, इनके बारे में, और लोग K20 के बारे में बात करता हूँ, सब लोग सीधे यही पूछते हैं पोको F2 का क्या हुआ, तो ये भी हिंट दे रहा है। एंड बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पोको F2 अक्टूबर में आ सकता है, देखते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों से सुन रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बता दूँ। आ गया तो अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो देखेंगे, लेकिन हिंट है कि आ सकता है। दोस्तों रियलमी की तरफ से कोई स्मार्टफोन नहीं है, अब डायरेक्ट दिसंबर का वेट करो, ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है नवंबर में कुछ बम ब्लास्ट कर दें वो लोग, लेकिन अक्टूबर में बहुत रेयर चांसेस है कि रियलमी इंडिया में कोई स्मार्टफोन लॉन्च करे। अब 730G वाला जो आ रहा था उसका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में आएगा, देखेंगे, यही स्मार्टफोन दिसंबर में आने वाला है, और कह रहे हैं कि रियलमी की तरफ से कोई स्मार्टफोन इंडिया में इस महीने लॉन्च होने वाला नहीं है। दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो, कौन से वाले का आप वेट कर रहे हो, मैं तो सबका वेट कर रहा हूँ, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आता है, कोशिश करूंगा सारे रिव्यूज देने की, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने की, जो भी चीज़ आता है सबकी प्राइसिंग बताने की। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कौन से वाले का आप वेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइब करके बटन को, साइड में देखो वेक्टर इमेज है उस पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों जिस स्पीड से जा रहे हो उसी स्पीड से जाओ, कम मत करने देना, बहुत अच्छा लगा मुझे पिछले कुछ टाइम में जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, चलो अच्छी चीज़ है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।